सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आप सबको थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि भाई आज हम आपको बताने वाले हैं जो 2024 NSI या न्यू ओ वाली। तो चलते हैं भाई, अभी एजेंसी जा रहे हैं, मेरे साथ सचिन जा रहे हो, आज अपनी बाइक लेके नहीं आए, वो मेरे साथ ही जाएगा भाई मेरी बाइक पे, यहीं कहीं वो खड़ा था, हॉर्न ही बैठ गया यार बाइक का। तो फ्रेंड्स, हो रहा सचिन आ रहा है हमारे साथ जा रहा है, तो आज बनाते हैं फुल पावर वीडियो। तो चलो, नहीं वो साइड से गया, मैं वो बंदा भी गया जिसने तुझसे पैसे लिए थे, बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो किसी दिन, नहीं तो सो फ्रेंड्स, फाइनली हम बजाज की एजेंसी आ गए हैं गुटकर में इधर। और ये भाई जो नहीं NSI है 160 अभी 200 नीचे स्टॉक में लगाए, नहीं तो इनका कंपैरिजन वीडियो भी हम आपको जल्दी दिखा देंगे। तो सबसे पहले भाई आपको सिनेमैटिक थोड़े दिखा देते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, ये रही न्यू वाली NS, इससे पीछे भी एक अपडेट आया था, उससे थोड़ी बहुत सिमिलर चीज़ हैं और अभी इसमें काफ़ी कुछ चेंज भी किया गया, मीटर वगैरह, हेडलाइट। तो सबसे पहले हेडलाइट पे आते हैं भाई, पूरे LED कर दिया है, देखो सामने से आपको स्टार्ट करके बाद में दिखाएंगे, तब लाइट्स वगैरह जलेगी और इंडिकेटर भी LED पूरे कर देंगे जैसे RS के आते थे वैसे। और शॉकर एज यूजुअल जो पीछे वाला मॉडल आया था उसी की तरह USD देन। और ये NS 160 200 अभी है नहीं, तो 200 आएगी तो वो भी आपको दिखा देंगे। देन पीछे से आप चेक कर सकते हो भाई, यहाँ भी LED इंडिकेटर्स पीछे कर दिए हैं, टेल लाइट एज यूजुअल जो पल्सर में आती है पुरानी वो वाली टेल लाइट दी गई है इसमें। बाकी सीट कंफर्ट वगैरह और कलर भाई चेक करो तुम, ब्लैक बहुत प्यारा कलर लग रहा है वाला, और सीट थोड़ी ठीक है भाई जैसी आती थी उससे तो काफ़ी अच्छी सीट है। तो अभी आपको हेडलाइट थोड़ा दिखा देते हैं हम, तो भी हेडलाइट आपको दिखाते हैं भाई, वो देखो चल रही है, बहुत प्यारी लग रही है आगे से हेडलाइट, थोड़ी बस यहाँ से ब्रॉड जैसी कर दी होती है, बल्कि कर दी होती तो और प्यारी लगनी थी और ब्रॉड लुक आनी थी भाई इस चीज़ की। बाकी बहुत प्यारी चीज़ बना दी। और मीटर वगैरह भी आपको दिखाते हैं, मीटर कंसोल और स्विच क्या क्या दिया है और क्या क्या नए फीचर इसमें आए हैं। बाकी 160 में जो 200 में अभी डिस्क आ रही है वही आ रही है, सेम ब्रांड की ब्रेक है जो इससे पीछे वाला 2023 मॉडल आया था, ये 2024 मॉडल है। बाकी डिस्क साइज़ उतना है जितना 200 का है फिलहाल, और टायर साइज़ भी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर आफ्टर मार्केट आप टायर साइज़ चेंज करवा सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको करवाना है जो अच्छा लगे। देन रिम ऐसे ब्लैक आते थे बट यहाँ देखिए रिम थोड़ी ग्रेइश जैसे कर दिए हैं, रिम भी भाई काफ़ी मतलब ठीक है, वैसे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को रिम से। और तो ये चेक करो मीटर पूरा LED कंसोल दे रहा है जैसे भाई डोमिनार में आता था, ऑलमोस्ट थीम हुई है डोमिनार वाली, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर रहा आपका, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको इसमें मिलता है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर आ रहा है रिफ्यूल का, अगर पेट्रोल लेवल लो है तो, और मोड देखते हैं भाई, ये देखो पल्सर कुछ आ रहा है इधर नीचे आ रहा है, वार्निंग्स सेटिंग्स भाई काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है इसमें, और यहाँ से मोड चेंज हो जाएगा, ब्लूटूथ वगैरह भी इसमें अब आ गया है सब कुछ। और देन ये वाला स्विच है इधर भाई हेडलाइट ऑन ऑफ करने का, आपको भी स्टार्ट करके इसका साउंड भी सुना देंगे। और ये पास स्विच है इधर, चेक करो इधर ये वाला, ये पास स्विच है। तो फ्रेंड्स, ये रियर डिस्क जो है ना वो भी 200 में जो भी आई थी लास्ट मॉडल में वही सेम कर दिया, सेम ये सब कुछ ऑलमोस्ट, टायर वगैरह MRF के टायर आपको मिलते हैं। और टायर सेक्शन आपको बताते हैं भाई कितना है, 130/70/17 RMC है, तो ये वाला टायर आपको मिलेगा, 200 में भी ये वाला टायर मिलेगा। और शॉकर पीछे वाला एडजस्टेबल होता है, चेक करो। और फ्रंट टायर का साइज़ तो 180 स्टार है, आई होप आप सबको विजिबल होगा, क्योंकि GoPro में भी मेरे को इतना पता नहीं लग रहा है। एंड देन अब बात आते हैं इसके और फीचर्स के ऊपर, और एक भाई बहुत बढ़िया फीचर दे दिया है चार्जिंग पोर्ट का, अभी आपको दिखा देते हैं खुलता कैसे और है। तो ये चार्जिंग पोर्ट का दे दिया भाई इधर, USB है इसका, अब चार्जिंग का पता नहीं फास्ट चार्जिंग है कि नहीं है, कितने वॉट का है कितने का नहीं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई अभी। देन किल स्विच वगैरह और TRL हेडलाइट्स दे दिए, अभी आपको स्टार्ट करके इसका साउंड वगैरह सुना देते हैं कि साउंड कैसा है। मेरे पास भी 160 है तो उसका कंपेरिजन वीडियो भी अभी हम दिखा देंगे, देखते हैं बनती है कि नहीं, कुछ दो ब्लॉग्स। सो अभी इसका साउंड चेक कर लेते हैं कि कैसा है और कैसा नहीं भाई, थोड़ा बेस कर दिया है साउंड, काफ़ी अच्छा कर दिया है, मतलब थोड़ा मेरे को बेस लग रहा है साउंड में, मेरी NS में जितना उतना उससे ज़्यादा
बाकी देखो आरपीएम का कितना सही दे दिया है, और ऐसे मैंने किसी बाइक में देखा था। तो ये है भाई न्यू NS 160 और 200 के भी आपको हम बता दें क्या क्या चेंजेस आए 200 में और क्या नहीं। ऑलमोस्ट बाकी 200 और NS 160 में ज़्यादा नहीं, तो पावर का तो हमेशा डिफरेंट रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट लुक्स वगैरह सेम है। अगर थोड़ी बल्की हो जाती है तो ज़्यादा वो अट्रैक्टिव और अग्रेसिव लगनी चाहिए। और इंडिकेटर के लिए भी आपको ये देखो इंडिकेटर LED फुल, और अभी स्टार्ट करके आपको आगे वाला लाइट दिखाते हैं पूरा DRL। और देखो ये DRL लाइट से अभी हेडलाइट का स्विच इन ऑन दे दिया इस बार, और उसको ऑन करके बताते हैं भाई। भाई ये है हेडलाइट, वो दबाना पास का स्विच, बस छोड़ बस। लो बीम हाई बीम कहाँ से होगी टाइप, ये पास का ही है, पास स्विच है, लो बीम हाई बीम का। अच्छा तो लो बीम हाई बीम के लिए भाई ये वाले स्विच यहाँ से ऐसे आगे खींचो, हाई बीम होगी, और पीछे करा तो लो बीम। ये तो काफ़ी वो है, ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, अभी पता लगी है। देन हॉर्न तो एज यूजुअल वही साउंड, हॉर्न लाउड कर दिया इस बार यार। ये है भाई आपकी न्यू NS। सो फ्रेंड्स जो टेल टाइडी उसमें चेंज करा है, काफ़ी थोड़ी बड़ी कर दी है टेल टाइडी, देखो चेक करो यहाँ से थोड़ी पीछे हमारे वाली यहीं तक है। तो ये देखो ये भी एक चेंज है भाई, और बाकी तो पावर तो सेम ही है ऑलमोस्ट। देन मीटर में चेंज करा है इस वाली में, आपने देख लिया कि काफ़ी कुछ अपग्रेड करा है, मे बी इन फ्यूचर और अच्छी हो जाएगी NS। तो NS लवर जो भाई NS लेना चाहते थे, ये वाला NS का मॉडल काफ़ी सही आ गया इस बार। LED हेडलाइट मिली, LED इंडिकेटर्स, फुल्ली डिजिटल मीटर। देन सो फ्रेंड्स अभी हम टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं न्यू NS 160 की। भाई BS6 ही है ना ये, BS6 या बस अपडेट वर्जन करे, फेस लिफ्ट करे इसमें, तो भी इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। और ये देखो RPM का इंडिकेटर इधर आता है भाई इसका, चलो एक्सीलरेशन काफ़ी स्मूथ है, और ब्रेक्स वगैरह भी भाई पंप नहीं हुई इतनी, तो ब्रेक्स तो चलो चलते हैं। पिकअप काफ़ी सही है भाई इसका, और काफ़ी स्मूथ है, इतनी वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है। आई होप आप सबको कैमरा एंगल ओ मैंने उन्हें अल्ट्रा वाइड नहीं करा था, आते टाइम अल्ट्रा वाइड कर देंगे हम इसका, यहाँ तक ही है भाई। सो फ्रेंड्स अभी हमने अल्ट्रा वाइड कर दिया है, तो चलते हैं भाई फुल पावर। अभी ये कर लेते हैं चेक कि फर्स्ट गियर में कितना जाते हैं, उससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं क्योंकि अभी भाई ने मना करेगी, ऐसी चीज़ यहाँ से नहीं मिलती है। 37 जा रही है, तो भी इंजन वगैरह इसका नहीं खुला है, तो मे बी 38-39 जितनी हमारी NS जाती है भाई उतने तक ये चले जाएगी इजीली। बाकी पावर की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ी सी मेरे को पिकअप अच्छा लग रहा है भाई इस वाली बाइक का। और ब्रेक्स वगैरह भी प्रॉपरली पंप नहीं हुई है, तो इसलिए ब्रेक्स उतनी प्रॉपर नहीं लग रही है। आगे वाली ब्रेक तो प्रॉपर है, बस पीछे वाली थोड़ी प्रॉपर पंप नहीं हुई है। चलो चलते हैं वापस सुपर वाली साइड, और कंपैरिजन वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑन कर दे कैमरा। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। देन इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल चैनल ABS, एक डबल चैनल ABS, एक विद ब्लूटूथ। उन तीनों की प्राइसिंग में तो मैं एंड में दिखा दूंगा, तो प्यार बनाए रखो, थोड़ा प्यार दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो नई बाइक लेने वाले हैं उन सबके साथ। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।